जावा के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस क्लास में और इससे आने वाली कुछ क्लासेस में स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो फंक्शन है वो होगा हमारे पास इक्वल्स और इक्वल्स, जो जावा में स्ट्रिंग के लिए अपना जो फंक्शन है, इन दोनों में क्या फ़र्क है हम ये सीखते हैं। मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग इसको मैं नाम देता हूँ स्ट्रिंग वन का इज इक्वल टू एन एफ एन, और एक और स्ट्रिंग बनाते हैं स्ट्रिंग टू इक्वल्स। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ और इसमें मैं पास करता हूँ स्ट्रिंग वन को। अब हम रिजल्ट्स देखते हैं कि हमें स्ट्रिंग वन इक्वल्स स्ट्रिंग टू से क्या मिलता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग वन इक्वल्स स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग प्लस का साइन मैंने नहीं दिया यहाँ पर। और एक और हम लिखते हैं कि स्ट्रिंग वन डॉट इक्वल्स, और इसके कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग टू पास होगा प्लस यही चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ डॉट इक्वल्स स्ट्रिंग टू। अब होना तो ये चाहिए कि दोनों का जो आंसर है वो ट्रू आना चाहिए, क्योंकि हमने स्ट्रिंग वन में एन एफ एन रखा है और स्ट्रिंग टू में वही स्ट्रिंग रखा है जो स्ट्रिंग वन में है। लेकिन मैं इसको चलाकर पहले आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग वन इक्वल्स इस जो कॉल से हमें जो आंसर मिली है वो है फॉल्स, और इस जो कॉल से हमें आंसर मिली है वो है ट्रू। अब होता क्या है कि इक्वल्स फंक्शन ये सिर्फ ये चेक करता है कि क्या इन दोनों स्ट्रिंग के रेफरेंस सेम ही है, क्या ये दोनों एक ही स्ट्रिंग को रेफरेंस कर रहे हैं, या इनकी जो मेमोरी या लोकेशन होती है किसी भी वेरिएबल की, स्ट्रिंग्स की खास तौर पर। तो वो ज़्यादातर अगर हम इस तरह बना लें कि स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू, यहाँ पर मैं सिर्फ इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू करता और इसके इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता, तो ये एक नया स्ट्रिंग नहीं बनाता। अब ये क्या हुआ है कि इस कंस्ट्रक्टर के कॉल करने से हमें स्ट्रिंग टू एक नई स्ट्रिंग मिली है, जिसकी वजह से इज इक्वल्स इक्वल्स फॉल्स होता है। तो जब भी आप कोई ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं कि जिसमें आप इस एन एफ एन जो हमने यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ पर एक और काम भी करता हूँ स्ट्रिंग वन को और स्ट्रिंग टू को आपके लिए प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों में एन एफ एन है, लेकिन इक्वल्स इक्वल साइन ने हमें फॉल्स इसलिए रिटर्न किया कि ये स्ट्रिंग टू किसी और स्ट्रिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं या रेफरेंस रखता है, और ये स्ट्रिंग वन किसी और स्ट्रिंग का रेफरेंस रखता है। तो जब भी आप इस काम के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉट इक्वल्स और उसके अंदर ये स्ट्रिंग पास करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।